अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू पाक आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रिसेंटली लिबनान की दारुल हुकूमत बेरूत में होने वाला अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो एंड बिफोर वी गो टू इन डिटेल लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैरूत में होने वाला हमला इससे कितने हलाक्तें हुई कितने लोग इंजर हुए इसे एक्सप्लोजन की डिटेल्स देखेंगे हम देखेंगे कि कौन इस अटैक का जिम्मेदार है हु इज रिस्पॉन्सिबल अमेरिकन प्रेजिडेंट की स्टेटमेंट क्या है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्वीट क्या थे एंड रोल ऑफ इसराइल एंड हिजबुल एज वेल और इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया देखेंगे वो इसको किस इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं लेट मूव टूवर्ड द फर्स्ट पॉइंट लिबनान वेस्ट एशिया में एक कंट्री है उसका जो ऑफिशियल नाम है डेट इज़ रिपब्लिक ऑफ लिबिनान 6.8 मिलियन जो उसकी पॉपुलेशन थी ट्वेंटी एटीन और 2020 में एस्टिमेटली अस्सी लाख आबादी है इस मुल्क की और अगर हम इसके देखा जाए यहाँ पर जो रिलीजन um, की तो फिफ्टी फोर जो हैं इसमें मुस्लिम्स um, हैं लेकिन फिर भी दिस इज़ नॉट इस्लामिक रिपब्लिक रिपब्बलिक लिबनान इट इज़ स्टिल रिपब्लिक ऑफ लिबिनान इसमें क्रिश्चन भी हैं ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक एंड बाकी जो सारे रिलीजन है वो भी ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन परसेंट जो है शिया मुस्लिम है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शिया मुस्लिम लिबनान में ज्यादा है डेट्स व हिजबुल्ला यहाँ पर बहुत एक्टिव है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे अगर हम देखते हैं लिबनान के बॉर्डर्स को तो लिबनान जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है शाम है इसराइल इसके साउथ में है एंड साइप्रस इसके वेस्ट में लाइक करता है अक्रॉस द मेडिटेरेनियन सी इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिकोगनाइज वेरियन स्टेट इन द एशियन कॉन्टिनेंट एशिया में सबसे छोटी स्टेट है जो कि एक सॉरन uh, स्टेट है तो हेयर वी कैन सी लिबनान और लिबनान का यहाँ पे कैपिटल है बेरूत और जहाँ पे अटैक हुआ है सीरिया बॉर्डर जॉर्डन बॉर्डर इराक एंड इजिप्ट ऑन अदर साइड एंड हेयर इज साइप्रस बेरूत अटैक सी इन दिस पिक्चर सो लेट डिटेल्स बैरूत में होने वाले हमले की बात करते हैं तो इट सेट के 2015 में एक शिप था जो कि बैरू के रस्से से होकर गुजर रहा था तो उसमें थोड़ी ख़राबी आई और बैरूत के पोर्ट पे रुक के तो रुके तो जब अथॉरिटीज ने चेक किया कि इसके अंदर क्या था तो उसके अंदर से उसके अंदर से अम, अमोनियम नाइट्रेट निकला तो बरूद गवर्नमेंट ने प्रॉपर पेपर वर्क ना होने की वजह से उसको अपनी तहवील में ले लिया और उसको स्टोर कर दिया ये पोर्ट के करीबी एक वेयर हाउस में तो जिसमें अभी धमाका हुआ सो so, सी के अकॉर्डिंगली सत्ताईस सौ पचास टा अमोनीम नाइट्रेट था जो कि स्टोर किया गया था इन्हें वेयर हाउस बरूद के पोर्ट पर ही और वो एक्सप्लोर कर क, हो गया जिससे पूरा ना सिर्फ लेबनानी कैपिटल बल्कि इसके दूर दराज जो एरियाज़ थे वहाँ भी इसकी आवाज़ सुनी गई और कहा जाता है कि 240 किलोमीटर दूर तक साइप्रस वहाँ तक इसकी आवाज़ सुनी गई 78 पीपल जो हैं वो ट्यूसडे को ही शहीद हो गए अठहत्तर लोग और 4000 के करीब लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए अलज़ीरा के अकॉर्डिंग जो अभी तक टोटल डेथ हैं वो 135 हो चुकी हैं और बैरूत के, के जो पांच बड़े अस्पताल थे उनमें से तीन मुकम्मल तबाह हो चुके हैं एंड दो जो, है, वो जो हैं वो जज्वी तौर पर तबाह हुए हैं इसलिए जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं वो ऑफर कर रही हैं फॉर द मेडिकल एंड फॉर द अदर असिस्टेंट एज वेल बेरोद के सिटी गवर्नर का कहना है कि तीन लाख के करीब लोग हैं वो बेघर हो गए हैं और अथॉरिटीज़ जो हैं वो का पूरा अपनी कोशिश कर रही हैं कि उन, उन तक खाना पानी और रहने की जगह जो है उन्हें प्रोवाइड की जाए वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो टोटल डिस्ट्रक्शन है इसका जो लॉस है डेट इज़ फाइव बिलियन डॉलर्स और पाँच बिलियन डॉलर जो है ये रिपेयर कॉस्ट आएगी जितना नुकसान हुआ है एंड वी शुड रिमेंबर के जो लिबिनान है ये इसकी इकॉनमी पहले ही बहुत बुरी चल रही है एंड उन्होंने आई से पहले ही अप्लाई किया हुआ था फॉर द लॉन ऑफ टेन बिलियन डॉलर्स अगर हम एक्सप्लोजन की डिटेल की बात करते हैं अभी तक ये नहीं पता कि एक्जैक्टली exactly कैसे ये धमाका हुआ लिबिनान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मामले पे और यहाँ पर सत्ताईस सौ पचास मेट्रिक टन जो है अमोनियम uh, नाइट्रेट पड़ा हुआ है वही एक्सप्लोड हुआ एंड वी शुड नो डैट अमोनियम नाइट्रेट इज अ केमिकल कम्पाउंड विदिकल फार्मूला एन एच फोर एन ओ थ्री अमोनियम नाइट्रेट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज़ स्टोर देयर फॉर मोर देन फाइव ईयर्स के अगर अमोनियम नाइट्रेट फटा है uh, तो वो पिछले पाँच साल से वहाँ पर वेयर हाउस uh, में स्टोर था एंड अमोनियम नाइट्रेट इज़ नॉट एन एक्सप्लोसिव मटीरियल इन इज सॉलिड कॉमनली सॉलिड फॉर्म ए एन एफ ओ ये एक वाइडली यूज इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है अगर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनको गिराने के लिए एन एफ ओ यूज़ किया जाता है और एन एफ ओ क्या होता है डट इज़ नाइन्टी फोर परसेंट अमोनियम नाइट्रेट और सिक्स परसेंट फूल का मिक्सचर और इसको कोल माइनिंग में इसको मेटल माइनिंग में कोयले की कानू में इसको और जो मेटल्स की माइनिंग है उसमें यूज़ किया जाता है एंड सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए भी अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है एंड अमोनियम नाइट्रेट इज़ नॉट एक्सप्लोसिव मेटीरियल बट इट बिकम्स एक्सप्लोसिव जब इसके अंदर कोई ना कोई इग्निशियन मटीरियल एड कर दिया जाए यू कैन सी अगर हाई uh, टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है एंड इट इज़ एन एक्जो रिएक्शन एंड एक्जो में बहुत ज़्यादा हीट जो है वो निकलेगी द डम्पोजिशन इज एक्सप्लोसिव बहुत ही ज़्यादा धमाका होता है तो हिस्ट्री में बहुत से अमोनियम नाइट्रेट के पहले ही एक्सप्लोजन हो चुके हैं जिसमें लाखों लोग जो हैं वो अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं एड एज वी यू सी के हमने वीडियो के अंदर भी देखा कि ब्राउन कलर का जब धमाका हुआ उसके बाद ब्राउन कलर का एक एक्सप्लोजन हुआ एंड वो एक्सप्लोजन क्यों होता है जब अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज करती है एट अ हाई टेम्परेचर तो वहाँ पर नाइट्रोजन uh, डाइऑक्साइड निकलती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये एक, एक uh, ये जब एक्सप्लोड करती है तो ऑन uh, बर्निंग ये ब्राउन कलर देती है इट मीन्स कि अमोनियम नाइट्रेट ही वहाँ पर फटा था एंड ये कैसे पता चला बिकॉज ऑफ द ब्राउन कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस धमाके का जिम्मेदार कौन है जिस वक्त यमाका धमाका हुआ उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल की क्या ट्वीट थी प्राइम मिनिस्टर नितिन याहू उन्होंने ये कहा कि वी हिट आर सेल एंड नाउ वी हिट द डिस्पैचर्स वी विल डू डेट वाट इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू डिफेंड अवर सेल्स आई सजेस्ट ऑल ऑफ दैम इंक्लूडिंग हिजबुल्ला टू कंसिडर दिस एंड सेकंड ट्वीट है कि दीज आर नॉट इन वेन दिज आर नॉट वेन वर्ड्स दे हैव द वेट ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल एंड इसराइली डिफेंस फोर्स बिहाइंड एंड दिस शुड बी टेकन सीरियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इसराइल ने यह कहा कि हमने एक अटैक किया है और ये सब कुछ हमने अपने आप को डिफेंड करने के लिए किया है और हमारी बातें बेकार में नहीं हैं और हिजबुल्ला को और बाकी तमाम जो कि इसराइल को बुरी नज़र से देख रहे हैं उन्हें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए अब ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इसराइल का कहीं ना कहीं तो हाथ ज़रूर था इसमें एंड एक और ट्वीट देखते हैं कि वहाँ पर यह था कि इसराइली पोलिटिशियन एंड फार्मर नेशड मेम्बर जो जैसे हमारी नेशनल असम्बली है उस तरह जो इसराइल की नेशनल असेंबली है पार्लियामेंट है उसे निश्ड कहते हैं तो फॉर्मर जो निस्ट मेंबर था उसने क्या कहा लुक एट दिस कि ये जो ब्लास्ट है इस वन ऑफ द इसराइल्स बेस्ट डे सेइंग मार्किंग वैलेंटाइन वैलेंटाइंस डे उसने इस जो बैरूत में जो हमला हुआ उसको इसराइल के वैलेंटाइन डे से तस्वीर दी और उसने कहा कि वी है हा, वी हैव हाँ गोट आ फंटेस्टिक फारवर्ड शो फ्रामूत एयरपोर्ट के बैरूत की जो पोर्ट है वहाँ से हमें बहुत अच्छी आतिशबाजी देखने को मिली तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि ये इसराइल का ना सिर्फ हाथ है बल्कि वो इस पर खुशी भी मना रहे हैं अब यहाँ पर ट्रंप की स्टेटमेंट की बात करते हैं जब ट्रंप मीडिया के सामने आए उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि बैरूत पे जो हमला हुआ है आप इसके बारे में आपके पास क्या मालूम हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इसके मुताबिक ये एक एक्सप्लोजन uh, ये एक एक्सप्लोजन था और ये इसमें अटैक हुआ है डोनल्ड ट्रम्प क्लेम्स बेरोज लुक लाइक आ टेरिबल अटैक तो ये एक हमला था ना कि यह हूद बहुत जो है धमाका हुआ एंड डोनल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये कहा कि ये एक बम अटैक भी हो सकता है और डोनल्ड ट्रंप ने ये प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस में ये कहा कि मैंने अपने एक जनरल से बात की और उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये एक अटैक था पेंटागोन ने ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी इसको डिनाई करते हुए कहा कि अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग के ये एक अटैक हिजबुल्ला जो है ईरानियन बैग्ड एक शिया तंजीम है जो कि बैरूत में है लबनान में है और वो अक्सर इसराइल पे रॉकेट फायर करते रहते हैं रिसेंटली उनके जो सरबराह थे जो हेड थे उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि हम इसराइल पे मिसाइल जो हैं वो और रॉकेट्स अटैक करेंगे अब हमारे पास ऐसे रॉकेट्स आ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज अपना निशाना लेके अटैक कर सकते हैं और रिसेंटली उन्होंने अटैक किया भी जिसमें जो कुछ सोल्जर्स थे वो इसराइल के मारे गए इसराइल ने ऑफिशियली से डिनाई किया बट स्टिल जब कुछ पिक्चर्स थी जिससे एमरजेंसी सिचुएशन में लेके जाया जा, जा ले जाया जा, जा रहा था तो फौजियों को तो उससे पता चलता है कि ये एक सीरियस अटैक था और इसराइल ने इसको सीरियसली लिया और इसराइल ने फिर इसका जवाब भी दिया इसराइल ने बरूद पे अटैक किए विद मिसाइल्स जब पूरी दुनिया की तरफ से कॉन्ट्रोलेंसीज आनी शुरू हो गई तो देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इसराइल की तरफ से भी एक ट्वीट आई उसमें ये कहा गया कि ऑन द बिहािहािहािहािहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इसराइल आई सेंड मई कॉन्ट्रोलेंसिस टू पीपल ऑफ़ लिबनान के लबनान के जो लोग हैं उनके साथ हम ताज़ियत करते हैं हम उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं इंसान होने के नाते हमें बहुत दुख है और हम इस मुश्किल घड़ी में लबनान के लोगों के साथ हैं बट इट इज़ सेट के इसराइल uh, जो है उसमें उसके मुसाद के जो एजेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में बहुत एक्टिव हैं एंड वो ये uh, इस क्वेश्चन में है कि लिबनान जो है जैसे ही ह्यूमटेर uh, असिस्टेंस और uh, मदद तलब करे फ्राम द डिफरेंट कंट्रीज़ तो इस इसमें जो इसराइल है वो इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ अपने जो एजेंट्स हैं उनको घुसा दे लेबनान के अंदर एज़ ऑल ऑफ वी नो कि इसराइल जो है वो ऑलरेडी वर्क इज़ वर्किंग ऑन ऑन इट प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल तो इसराइल जो है वो अपने किसी भी अपनी सवरानिटी पे कोई भी बात नहीं आने देता एंड जब उसे पता चले कि कोई भी चीज़ उसके लिए ख़तरा बन रही है तो वो उसके खतरा बनने से पहले ही उस पर अटैक कर देता है सो हेर वी कंक्लूड आवर डिस्कशन एंड एट द लास्ट वी विल सी कि इसराइली मीडिया जो है वो क्या पोस्ट कर रहा था इसराइल मीडिया ने पोस्ट किया कि हिजबुल्ला के जो लीडर थे नसरुल्ला उन्होंने थ्रेट किया था ये कुछ इयर्स पहले इसराइल को कि वो एक एक्सप्लोजन करेंगे हाइफा की पोर्ट पे विद जो कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरह होगी यूजिंग द अमोनिया टैंक्स तो यूशलम पोस्ट ने ये ये ट्वीट किया कि जो लबनानी हिजबुल्ला है उसने पहले ही बहुत पहले धमकी दे दी थी कि अमोनिया से हम हमला करेंगे और ये हमला एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरह होगा और इसराइल ने इसी ट्रिक को यूज करके उन पर ही हमला कर दिया ये भी कुछ जो है वो न्यूज़ आउटलेट्स कह रहे हैं एज वी से कि यूशनल पोस्ट की दूसरी पोस्ट है उसने कहा कि बेरोथ एक्सप्लोज द बेरोथ एक्सप्लोज विच हैव किल्ड हंड्रेड्स एंड इंजर्ड थाउजेंड्स रिवील हाउ डेंजरस प्रिस गाइडेड वेपन्स कुड बी इन द रॉन्ग हैंड्स नेमली हिजबूला तो यूजनल पोस्ट ने यह कहा कि, कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कि हिजबुल्ला के पास जो अमोनियम नाइट्रेट हैं उसके किस तरह के ज़ाहिर थे और किस किस तरह के वेपन्स जो हमने छुपा के रखे हुए हैं और अगर उन पर हमला हो तो किस तरह के न्यूक्लियर हमला भी की तरह भी वो एक्सप्लोर कर सकते हैं तो ये अगर जो वेपन्स हैं वो अगर गलत हाथों में चले जाएं तो वो किस तरह हमला हो सकता है ये बताना चाह रहा था इसराइल बेसिकली कि अगर कोई भी किसी के पास भी अगर कोई हमें हम हमला करने की धमकी देगा तो हम उससे उससे पहले भी हमला कर देंगे एंड वी विल वी विल डिफीट ऑफ ऑफ ऑल ऑफ आवर एनिमीज तो हैव वी कंक्लूड आवर डिस्कशन वी विल सी वी विल सी दैट इफ यू हैव इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो